अगला शेयर इनका है टाटा एलेक्सी, 7000 के भाव पे खरीद रखा है जी। देखिए यहाँ पे तो स्टॉक में बढ़िया एक पुलबैक उछाल चल रहा है, पूरे सेक्टर में भी चल रहा है, तो आईटी स्पेस में आई थिंक उसमें आउटलायर रहा है, सबसे बढ़िया आई थिंक बेस्ट पैक में रहा है, परफॉर्मेंस के बेस्ट पैक में रहा है। तो आई थिंक जब तक उस फीट को ये रिपीट करता रह रहा है और जब तक अच्छे से चल रहा है आई थिंक ट्रेड में बने रहे हैं। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस इनको कहीं इसमें जरूर ट्रेल कर लेना चाहिए। मुझे जो एक डिसेंट स्टॉप लॉस एरिया यहाँ पे दिख रहा है, जो सपोर्ट एरिया पिछला रहा है वो है तकरीबन 7200 के नीचे, तो आई थिंक 7198 का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लगा ले और मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेड में बने रहे। ओके, ट्रेड में बने रहिए। अगला सवाल है कृष्णा का, आजमगढ़ से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। कृष्णा बताइए क्या सवाल है। हाँ सर, सर एक मिनट सर बता रहा हूँ सर। हाँ सर, मेरा सवाल सर, नमस्कार सर, पहले सर जी को नमस्कार, आपको नमस्कार। मेरा सवाल सर एनएमडीसी है, मेरे पास 247 शेयर हैं एनएमडीसी के और भाव है 111 रुपये। एक शेयर धर्मज है मेरे पास, 66 शेयर है मेरे पास 238 रुपये के। कौन सा शेयर बताया आपने? धर्मज, धर्मज कार। अच्छा, देखते हैं। धर्मज कार भी सर अभी रिसेंट आईपीओ था दो। अच्छा, क्या क्या करते हैं कृष्णा जी, आप काम क्या करते हैं? मैं टीचर हूं सर। तो ट्रेडिंग का मौका कैसे मिलता है? ट्रेडिंग का मौका सर स्कूल आवर्स के बाद जब घर पे रहते हैं तो मिल जाता सर, और इस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। अरे स्कूल आवर के बाद तो मार्केट ही बंद हो जाता होगा 3:30 बजे। तो सर उतना ही टाइम चला था, हम अभी हमारा स्कूल 12:30 बजे तक है, गर्मी की वजह से टाइम थोड़ा सा रिड्यूस कर रखा है गवर्नमेंट ने। जी। अरे वाह, क्या गणित पढ़ाते हैं क्या? फिजिक्स पढ़ाता हूँ सर। फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो मतलब फिजिक्स के सिद्धांत आप इधर भी फिट करते हैं, चलिए अच्छी बात है। बट हाँ, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बाकी तो आप ट्रेडिंग करिए, बहुत अच्छी बात है। तो एनएमडीसी का सवाल है इनका, कृष्णा जी का, 245 बताया आपने एनएमडीसी ना कृष्णा जी? जी 245 247 पर खरीदा है कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? इतने शेयर हैं, 111 खरीद है। 111 ही खरीदा, वही तो मैं कहा। बताइए सर्वेश जी, 111 पे खरीदा है 245 शेयर एनएमडीसी के। देखिए यहाँ पे एक बढ़िया 5-6 महीने की तेजी हुई थी, तकरीबन 80 से 120-125 स्टॉक गया था, तो आई थिंक उसी को 4-5 महीने हो गए, उसी को पचा रहा है उस मूव को। आई थिंक बहुत ग्रेजुअल डिक्लाइन है, करेक्शन है। आई थिंक मोस्ट लाइकली जो हम बोलते हैं इसमें कि जो इसका ब्रेक, जो इसका नेक्स्ट ट्रेजेक्टरी होगा वो ब्रेकआउट मोस्टली ऊपर की तरफ ही आएगा, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है तो इनको टाइम देना पड़ेगा, 9-12 महीने अगर बने रहेंगे तो आई थिंक यहाँ पे 25-30% की कमाई इस लेवल से हो सकती है। तो 107 रुपये के आसपास चल रहा है, आई थिंक 130-135 के लेवल यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हैं, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें और डिविडेंड तो खा ही रहे होंगे, अगर थोड़ा टाइम, अगर थोड़े टाइम से लेके बैठे हैं तो डिविडेंड्स भी अच्छे मिल रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से ट्रेंड में बने रहे और डिलीवरी पोजीशन है तो थोड़ा स्टॉक के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और ट्रेंड में बने रहे मेरे हिसाब से। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।